सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चहेते यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव्य पर। सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें हमारे इस लेवल तक हमारे अपने इस चैनल को लेके आए हैं, और ये सब आप भाइयों की के सहयोग से ही हो पाया है। और आज जितना भी बहुत बड़ा परिवार हो गया है वैदिक पंचगव्य सब्सक्राइबर्स का, बहुत सारे भाई हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और हम बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां भाइयों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है, बहुत ही अलग हटके ये वीडियो मैंने बनाई है। आप भाइयों तक कुछ चीज नायाब हीरे दिखाना चाह रहा हूं जो एक जरूरी है। आप ये जो सामने बछड़ा देख पाएंगे, ये बच्चा, ये मेल काफ बछड़ा है और ये बहुत बहुत प्योर चोलिस्तानी ब्लड लाइन का बछड़ा आया है निकल के। ये राठी गाय है। बहुत सारे भाई जो नए हैं, जो जानते नहीं हैं, उनके लिए बता देता हूँ, ये राठी गाय है, चोलिस्तानी गाय नहीं है। लेकिन जो बछड़ा है वो प्योर प्योर चोलिस्तानी आया है, बहुत प्योर। आज का गाय का वीडियो नंबर है 235 और ये वीडियो सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने बनाई है। इसकी मिल्किंग अपन देख लेते हैं। आप थनों के धार देखिए, बहुत मोटी धार, बहुत ज्यादा मोटी, नरम धार है। ये देखिए दोस्तों, दूसरे थन की धार बहुत मुठिया थन है एकदम। ये तीसरे थन की धार देखिए, बहुत गजब की है एकदम। और ये चौथे थन की धार बहुत बढ़िया। वो इंसान बहुत खुश नसीब है जिसके पास ये गाय माता जा रही है, बहुत ही नरम पोली धार वाली गायें। और ये गायें उस भाई ने तब बुक की थी जब ये ब्याई नहीं थी, ब्याने से पहले की इन्हें उन्होंने बुक की थी। ये आज दूसरा ही दिन है इस गाय माता का। और ये गाय माता की आप धार देखिए, छोटी लेवटी है और बहुत मतलब अडर इतना नहीं है जितना दूध ज्यादा देती है। एक यही खासियत रहती है जो हमारी प्योर चोलिस्तानी ब्लड जिसमें मिक्स रहता है वो अच्छा दुधारू गाय होती है। ये जो राठी गाय है इसमें बहुत हद तक चोलिस्तानी ब्लड मिक्स है। और क्योंकि मैं चोलिस्तानी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये है नहीं चोलिस्तानी। बहुत सारे भाई तो जो नए हैं, जो जानते नहीं हैं, उनके लिए ये वीडियो बताना मैं उचित समझूंगा। इस वीडियो में ये जो आप बच्चा देख पाएंगे, ये बहुत ही सुंदर नस्ल संवर्धन का एक कारनामा है। आप देखेंगे जो थूथन पे बिल्कुल ब्लैक है, माथा पूरा व्हाइट है, जबकि गाय का माथा व्हाइट नहीं है, गाय का मुंह सफेद नहीं है पूरा, जबकि बच्चा 95% व्हाइट आया है। और कहीं कहीं छोटे छोटे पैचेज हैं। एक यही खासियत होती है चोलिस्तानी में। चोलिस्तानी बेसिकली ब्रीड है क्या, हमें इस चीज पे समझना होगा। चोलिस्तानी ब्रीड वो चोलिस्तान एरिया की जो आज पाकिस्तान में है और ये भावलपुर तक एरिया फैला हुआ है, यहाँ पे मिलती थी। पाकिस्तान में जो चला गया है, पाकिस्तान में ये ब्रीड रजिस्टर्ड है। इंडिया में हमारा दुर्भाग्य, हमारी सरकारें, हमारी वेटनरी टीम का दुर्भाग्य रहा है, उन्होंने अभी तक इस ब्रीड को रजिस्टर्ड नहीं किया है। पता नहीं कब रजिस्टर्ड करेगी, शायद कुछ उनको मुझे लग रहा है अभी भी कुछ और कारनामे देखने पड़ेंगे, तब जाके उनकी आंख खुलेगी कि ये ब्रीड कितनी खास है। चलिए दोस्तों, और जानकारी दे देते हैं। जो चोलिस्तानी ब्रीड है ये रेगिस्तान में, तपते मिट्टी में, तपते रेत में, ऊपर सूरज गर्म सूरज, नीचे गर्म रेत में बैठ के बच्चा जब देती है, 55 डिग्री टेम्परेचर जो रेत का होता है उस पे बैठ के बच्चा देती है, उस पे जो बच्चा होता है वो बच्चा उठ के 10-15 मिनट में दौड़े लगाता है, ये वो ब्रीड है। और इस ब्रीड में दूध देने की बहुत ज्यादा क्षमता है, दूध के अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा, और अन्य गाय की अन्य नस्लों की तुलना में सबसे दुधारू नस्ल चोलिस्तानी पाई जाती है। और मैं उस हर उस किसान को मेरा सलाम है, हाथ जोड़ के मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह से नस्ल पे नस्ल सुधार करते रहें। हर उस किसान को मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज देसी गाय पे काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने एचएफ जर्सी थी उन्होंने हटा दी है और देसी गाय को पालन वो कर रहे हैं। दोस्तों, मिल्किंग पूरी कर ली गई है,
ये मिल्किंग सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस है, कोई इसको भाई हमने दिखाना नहीं चाह रहे इसमें कुछ, ये जस्ट नए भाइयों के लिए है जो सीखना चाह रहे हैं चोलिस्तानी ब्रीड के बारे में। आप देखेंगे बच्चा बहुत ज्यादा प्योर आया है, अपनी माँ से भी बहुत ज्यादा प्योर, और ये आगे चल के जिस भी भाई के पास ये गाय जा रही है जाएगी। मैंने कहा ये बछड़ा मुझे वापस चाहिए, मैं इसकी ब्रीडिंग पे काम करूंगा, क्योंकि इस गाय माता ने बहुत ही उम्दा दूध देने की क्षमता रखती है ये, और ये किसी ऐसे किसान के घर पे थी जहाँ पे ज्यादा सेवा नहीं हो पाई, नहीं तो ये 2 बाल्टी भर देने की क्षमता रखती है। और ठंडी इतनी, बहुत ज्यादा सील स्वभाव की है, बहुत ज्यादा सील। कोई भी छोटा बच्चा बैठे, औरत बैठे, भाई बैठे, कोई भी लेडीज जेंट्स कोई भी इसके दूध निकाल सकता है, बहुत ज्यादा शानदार है। हमारे यहाँ पे इस हमारे फार्म पे इस तरह की गाय माता आती रहती है, सेल के लिए उपलब्ध होती रहती है। जो भी भाई हमारे से जुड़ना चाहे ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमें संपर्क करें। जय गो माता। जो भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उनको हमारी नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ के साथ इस वीडियो का सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करना तो बनता है, लाइक भी बनता है मेरे भाइयों। और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, इस तरह की वीडियो हम आपके सामने और भी लाते रहेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गाय माता हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ में जुड़ने का ये फायदा है कि हम कम कीमत में, जायज कीमत में अच्छी गाय माता आप भाइयों को दिखाते रहते हैं। जय गौ माता, जय भारत।